सब्सक्राइब करिए डीएम का ड्रीम को और साथ में बेल वाली आइकन प्रेस करिए जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। दोस्तों, एएनएम चिकित्सा से जुड़ा एक कोर्स है। इस कोर्स को करने के दौरान स्टूडेंट को चिकित्सा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें एक अच्छे नर्स बनने के लिए अच्छे से पढ़ाया और बताया जाता है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था कि जेएनएम का कोर्स कैसे करें, क्या सिलेबस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या प्रोसेस होता है जिससे आपको जाके जॉब मिलेगी, सैलरी। तो उसी तरह आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एएनएम का कोर्स कैसे करें और इसमें क्या प्रोसेसिंग, क्या सब कुछ क्या रहता है, कैसे करना पड़ेगा जिससे एएनएम का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय, आप देख रहे हो डीएम का ड्रीम। आइए देखते हैं। दोस्तों पहले तो हम बात करें कि एएनएम, तो एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों यह होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। तो दोस्तों यह एक डिप्लोमा कोर्स है, इसे ज़्यादातर गर्ल्स करती हैं। एएनएम की आगे बात करें कि एएनएम के कार्य क्या होते हैं, क्या वर्क उनको करना पड़ता है। तो दोस्तों एएनएम के कई कार्य हैं, वैसे तो कुछ मेन हैं, जैसे हो गया डॉक्टर द्वारा जो इलाज, जब डॉक्टर इलाज करता है तो उसके दौरान जो उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण की ज़रूरत पड़ती है तो उसको उनको देने में उनकी मदद करना, मतलब कि इलाज के दौरान वो उनकी मदद करते हैं। और सेकंड पे ये है कि एएनएम जो होती है वो मरीजों की देखभाल करती है। और थर्ड पे है मरीजों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। और लास्ट है कि ऑपरेशन के दौरान काम आने वाली जितने भी उपकरण हैं उनका रखरखाव रखना। तो दोस्तों आगे बात करें कि क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे एएनएम की जॉब मिल सकती है और कोर्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 10th कंप्लीट किए हो, वो भी 45% मार्क्स से, ये नेसेसरी है, ये कंपलसरी है। अगर आप 45% मार्क्स से 10th कंप्लीट करते हो तभी आप एएनएम का कोर्स कर सकते हो। मतलब आपका टोटल मार्क्स में अगर परसेंटेज निकाला जाए तो वो 45 से ज़्यादा हो। और उसमें प्लस में एक चीज़ और ऐड रहता है कि आप साइंस सब्जेक्ट से हो, ये भी ज़रूरी रहता है, बहुत ज़रूरी कि आप साइंस सब्जेक्ट हो और टोटल आपका हाई स्कूल में 12th में कंप्लीट मार्क्स हो 45 से अधिक। एज की बात करें तो आप 17 से 35 ईयर्स के बीच में हो, इससे ना कम हो आपकी ना इससे ज़्यादा हो। और आगे बात करें कि एएनएम का सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों यह 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, ये जो एएनएम का कोर्स है ये 2 साल का होता है, जिसमें आपको दोनों वर्ष में अलग अलग के तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ दूसरा पढ़ाया जाता है तो सेकंड ईयर में कुछ दूसरा। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ केयर नर्सिंग। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, जो आपको इतने सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में इतने टॉपिक पे पढ़ाए जाएंगे। और सेकेंड ईयर में बात करें कि क्या आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना रहता है, तो इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। सेकेंड ईयर में आपका रहेगा मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, मतलब कि हेल्थ जो सेंटर होता है उसको मैनेजमेंट कैसे करें, उसका प्रबंधन कैसे करें, कैसे सारे काम को अच्छे से कर पाएँ, वही सेकेंड ईयर में आपको बताया जाता है। अब बात करोगे कि एएनएम की तैयारी कैसे करें जिससे हम अच्छे से एएनएम बने और उससे ज़्यादा आगे की पोस्ट भी पा सकें। तो दोस्तों एएनएम का कार्य कितना केवल इतना होता है कि ये जो पेशेंट होते हैं उनकी देखभाल करना और उनकी सेवा करना। तो अगर आप एएनएम बनना चाहते हो और अच्छा उससे आगे फिर पोस्ट पाना चाहते हो, तो आपको जब आप पेशेंट की देखभाल करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो होंगे जो थोड़ा ऐसे ख़राब होंगे, बैड होंगे, तो उनसे उनके लिए आपको अपने स्वभाव में नम्रता का भाव लाना चाहिए। मतलब कि आप मतलब हरदम गुस्से मत रहिए, उन्हें कुछ सहने की क्षमता रखिए। और सेकंड पे आपका आता है कि जो आप अगर एएनएम का कोर्स करना चाहते हो तो आप साइंस सब्जेक्ट पर फोकस करो। और थर्ड पे आता है कि आप जो धीरे धीरे आप सभी जितनी भी दवाइयाँ आपके पास हैं या कहीं से मार्केट से आती हैं तो उनकी सबकी धीरे धीरे आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ, दवाइयों के बारे में ज़्यादा उनकी ज़्यादा जानकारी रखो। और जितने भी इलाज के दौरान उपकरण काम आते हैं, अगर आप कॉलेज के दौरान हो, अगर एएनएम का कोर्स कर रहे हो तो उस समय ज़्यादा फोकस करो कि कौन से उपकरण कहाँ यूज होते हैं, कैसे उस वहाँ तो पढ़ाया आपको जाएगा, तो उस समय ज़्यादा फोकस रहो, कंसंट्रेट रहो कि हाँ इस उपकरण का यहाँ यूज है, इसका यहाँ।
तो आपको बहुत जल्द ANM का कोर्स आपका तो कंप्लीट हो ही जाएगा और आप आगे एक अच्छे ANM नर्स भी बन सकते हो। आगे बात करें कि जब आप ANM की तैयारी करने जा रहे हो तो आपके उसमें कितना फीस लगेगी ANM की तैयारी में, तो दोस्तों ANM की कोर्स की जो ये फीस है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग होती है। वैसे तो माने एक थोड़ा छोटा मोटा एक लगभग एवरेज में माने तो ANM की जो फीस होती है 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में होती है ANM की फीस। आगे बात करें कि जब आप ANM की फीस भी जान गए हो तो लास्ट में आता है कि आप सैलरी जानो। तो दोस्तों ये जो सैलरी होती है ये अलग अलग हॉस्टल के जो अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं उनके क्या नियम हैं, कैसे क्या देते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके रूल के ऊपर कि कैसे वो प्राइवेट में कैसे सैलरी देते हैं ANM को। और बात करें कि जैसे आप स्टार्टिंग में लग रहे हो, स्टार्टिंग में अभी ANM का कोर्स कंप्लीट किए और हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हो तो जॉब उसमें आपको 10 से 15 हज़ार तक सैलरी मिल जाएगी। और आप गवर्नमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो तो उसमें आपको 25 से 30 हज़ार रुपये तक सैलरी मिल सकती है और हो सकता है बढ़ भी सकती है, इससे कम नहीं होगी, 25 से कम नहीं। तो दोस्तों ये रही ANM की सारी डिटेल कि ANM कैसे बने, क्या फीस है, क्या सिलेबस है, कैसे फोकस करें ANM बनने पर, कैसे तैयारी करें। तो हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई सुझाव हो, आपके दिमाग में कुछ सुझाव कुछ क्वेश्चन घूम रहा हो और उसकी जानकारी आपको नहीं मिल रहा हो, उसका आंसर नहीं मिल रहा हो ANM से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे, आंसर देंगे। और अभी तक आपने मेरे इस जो वीडियो है इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्द शेयर कर दीजिए, और इसे अपने रिलेशनशिप, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप में जो ANM का कोर्स करना चाहते हैं उनके पास तक पहुँचाइए, खासकर उनके पास जो हाई स्कूल तक ही पढ़े हैं, 12th तक ही कंप्लीट किए हैं अपने स्टडी, तो उनके पास तक ज़रूर पहुँचाइए जिससे उन्हें भी नॉलेज मिले। हाँ, 10th बाद भी एक कोर्स ऐसा है जिसे करके हम अपना करियर बना सकते हैं। तो आगे बात करें कि अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल वाली आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। होता यह है कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो से पहले हमने आपको बताया था कि ANM का कोर्स कैसे करें, उसका आपको लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि हाँ ANM का कोर्स कैसे करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए देखते रहिए DM का डिम। धन्यवाद।